डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में यूलर्स मेथड। लेट अस कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई विथ इनिशियल कंडीशन वाई ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल्स टू वाई जीरो। ओके, यानी कि इस फॉर्म में आपको कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और साथ में दी होगी एक इनिशियल कंडीशन कि x जीरो पॉइंट पर y की वैल्यू y जीरो कितनी हो रही है, और आपको ऐसा बोला होगा कि कोई पॉइंट xn पर y की वैल्यू yn हमें फाइंड करनी है। सो फाइंड y ऑफ xn इज इक्वल्स टू yn। ओके, सो इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हम यूलर्स मेथड की मदद से ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला वाई ऑफ एक्स एन इज इक्वल्स टू वाई एन इज इक्वल्स टू वाई एन माइनस वन प्लस एच f of x n minus 1 y n minus 1। ओके, तो ये है हमारा यूलर्स फॉर्मूला, वेर h इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1 एंड एक्स एन इज इक्वल्स टू एक्स जीरो प्लस एन एच। ठीक है, यहां पर ये जो n है उसकी वैल्यू आपको एग्जाम्पल में दी होगी या फिर आप अपने हिसाब से उसे एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सपोज मुझे x 1 पॉइंट पर y की वैल्यू y 1 फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला हम बनाते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। सो लेट n इज इक्वल्स टू 1, सो y ऑफ एक्स एन ये हो जाएगा y ऑफ x 1 इज इक्वल्स टू y 1 इज इक्वल्स टू यहां पर y 1 माइनस 1 यानी 0, सो y 0 प्लस h इंटू f ऑफ x n माइनस 1, सो 1 माइनस 1 0 x 0 y n माइनस 1 1 माइनस 1 0 y 0। ठीक है, सपोज मुझे x 2 पॉइंट पर y की वैल्यू y 2 फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? लेट n इज इक्वल्स टू 2, सो y ऑफ x2 इज इक्वल्स टू y2 इज इक्वल्स टू यहां पे क्या होगा y 2 माइनस 1 1, सो y1 प्लस h f ऑफ x 2 माइनस 1 x1 y 2 माइनस 1 y1। ठीक है, सपोज मुझे x 3 पॉइंट पर y की वैल्यू y 3 फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट n इज इक्वल्स टू 3, सो y ऑफ x 3 इज इक्वल्स टू y 3 इज इक्वल्स टू y 3 माइनस 1, सो y 2 प्लस h इंटू f ऑफ x 3 माइनस 1 x 2 y 3 माइनस 1 y 2। ओके, एंड सो ऑन, यानी कि हमें x की जिस वैल्यू पर y की वैल्यू फाइंड करनी है उसे हम इस तरीके से इस फॉर्मूला की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे यूलर्स मेथड का एक एग्जांपल। एग्जांपल में हमें दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर dy by dx इज इक्वल्स टू x प्लस y, y of 0 is equals to 1 when x is equals to 0.1 and 0.2 with n is equals to 4। ठीक है, यानी कि आपको यहां पर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ये इनिशियल कंडीशन दी है और ऐसा बोला है कि जब x की वैल्यू 0.1 हो रही है तब y की वैल्यू फाइंड करनी है, और जब x की वैल्यू 0.2 हो रही है तब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें n इज इक्वल्स टू क्या लेना है? 4 लेना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा। सो गिवन
डेटा, हमें यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy by dx is equals to x plus y, ओके। उसके बाद इनिशियल कंडीशन, सो x जीरो क्या है, जीरो, और उसके कोरस्पॉन्डिंग y जीरो क्या है, वन, ओके। n is equals to 4, ओके। xn तो वो क्या होगा, 0.2, ठीक है। अभी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले h की, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, xn is equals to x0 plus nh, xn is equals to x0 plus nh, so h is equals to क्या होगा, xn minus x0 divided by n, ओके। अभी देखो xn क्या है, 0.2 minus x0 क्या है, 0, divided by n क्या है, 4, so 0.2 minus 0, 0.2 divided by 4, so ये होगा 0.05। तो हमें हमारी स्टेप साइज h क्या मिली, 0.05, ठीक है। अभी हम फाइंड करेंगे x के डिफरेंट पॉइंट्स। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, xn इज इक्वल्स टू x0 प्लस nh, लेट n इज इक्वल्स टू 1, सो यहां पर हमें क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x0 प्लस n इंटू एच, यानी कि 1 इंटू एच, तो ये होगा h। x0 क्या है, 0 प्लस h 0.05 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0.05, ठीक है। लेट n इज इक्वल्स टू 2, सो x2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, x0 प्लस n इंटू एच, यानी कि 2 इंटू एच, तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल्स टू, x0 क्या है, 0 प्लस 2 इंटू h क्या है, 0.05 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 प्लस 2 इंटू 0.05 यानी कि 0.1, एंड 0 प्लस 0.1 ये क्या हो जाएगा, 0.1। अभी देखो हमें ऐसा बोला था कि जब x की वैल्यू 0.1 है तब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू 0.1 हमें कहां पर मिल रही है, x 2 पर, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमें कौन सी फाइंड करनी है, y 2, सो हमें फाइंड करना है y 2, ठीक है। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर 0.2 भी अभी बाकी है, वो यहां पर अभी तक नहीं आया, सो लेट n इज इक्वल्स टू 3, सो x3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, x0 प्लस 3h, x0 क्या है, 0 प्लस 3 इंटू एच 0.05, सो 0 प्लस 3 इंटू 0.05 क्या होगा, 0.15, सो 0 प्लस 0.15 ये होगा 0.15। लेट n इज इक्वल्स टू 4, सो हमें मिलेगा x4, x4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, x0 प्लस n इंटू एच, यानी कि 4 इंटू एच 4h इज इक्वल्स टू x0, उसकी वैल्यू है 0 प्लस 4 इंटू एच क्या है, 0.05, सो 0 प्लस 4 इंटू 0.05 ये क्या होगा, 0.2, सो 0 प्लस 0.2 ये हमें मिलेगा 0.2, ठीक है। अभी देखो हमें ऐसा बोला था कि जब x की वैल्यू 0.2 हो उस वक्त हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू 0.2 कब हो रही है, x 4 पर, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी, y 4, सो हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, y 4, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यूलर्स फॉर्मूला का यूज करेंगे,
So using Euler's formula. Euler's formula क्या है? Yn is equals to Yn minus 1 plus h into f of xn minus 1 yn minus 1. ठीक है, सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x1 पॉइंट पर y1 की, यानी कि n क्या हो जाएगा? 1. सो लेट n इज इक्वल्स टू 1, सो हमें मिलेगा y1. ये क्या होगा? y1 minus 1 y0 plus h into f of x1 minus 1 x0 y1 minus 1 y0. ओके, अभी देखो y0 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस h क्या है? 0.05 इंटू f ऑफ x0 प्लस सॉरी f ऑफ x0 y0. अभी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया था? x प्लस y. तो यहां पर क्या होगा? x0 प्लस y0. ओके, अभी देखो x0 उसकी वैल्यू क्या है? 0 प्लस y0 उसकी वैल्यू क्या है? 1. सो 0 प्लस 1 क्या होगा? 1 एंड 1 इंटू 0.05 सो ये होगा 0.05. सो 1 प्लस 0.05 ये हमें क्या मिलेगा? 1.05. ठीक है, तो हमें y1 की वैल्यू क्या मिली? 1.05. अभी हम फाइंड करेंगे y2. सो y2 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y2 माइनस 1 y1 प्लस h इंटू f ऑफ x2 माइनस 1 x1 y2 माइनस 1 y1. ओके, y1 की वैल्यू क्या है? 1.05 प्लस h क्या है? 0.05. हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था? x प्लस y. सो हम यहां पर क्या करेंगे? x1 प्लस y1. ओके, अभी देखो x1 की वैल्यू क्या है? 0.05 प्लस y1 की वैल्यू क्या है? 1.05. ओके, सो 1.05 प्लस 0.05 इंटू 0.05 प्लस 1.05 ये हो जाएगा 1.1. सो 1.05 एज इट इज प्लस 1.1 इंटू 0.05 ये हमें मिलेगा 0.055. ओके, सो 1.05 प्लस 0.055 ये हमें मिलेगा 1.105. ठीक है, सो हमें y2 क्या मिला? 1.105. अभी देखो हमें x इज इक्वल्स टू 0.1 पर y की वैल्यू फाइंड करनी थी. सो y2 ये होगा हमारा पहला आंसर. ओके, नाउ अभी हम फाइंड करेंगे y3. सो लेट n इज इक्वल्स टू 3. सो y3 इज इक्वल्स टू यहां पर क्या होगा? y3 माइनस 1 y2 प्लस h इंटू f ऑफ x3 माइनस 1 x2 y3 माइनस 1 y2. y2 क्या मिला? 1.105 प्लस h 0.05 इंटू f ऑफ x2 y2. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? x प्लस y. सो यहां पर हम क्या लिखेंगे? x2 प्लस y2. ठीक है, x2 उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.1 प्लस y2 उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 1.105. ओके,
So 1.105 plus 0.05 into 0.1 plus 1.105, ये हो जाएगा 1.205. So 1.105 plus 0.05 multiply by 1.205. So ये हमें मिलेगा 0.06025. Okay. Now 1.105 plus 0.06025. So ये हमें मिलेगा 1.16525. ठीक है, अभी हमें Y4 भी फाइंड करना है, सो वो फाइंड करते हैं. मैं यहां पर लिख देता हूं कि Y2 की वैल्यू हमें मिली है 1.105. So let n is equals to 4. So y4 is equals to y4 minus 1 y3 plus h into f of x4 minus 1 x3 y4 minus 1 y3. Okay, y3 उसकी वैल्यू हमें मिली 1.16525 plus h क्या है 0.05 into f of x3 y3. डिफरेंशियल इक्वेशन है x प्लस y, सो ये होगा x3 प्लस y3. x3 उसकी वैल्यू कितनी है 0.15 प्लस y3 उसकी वैल्यू हमें मिली 1.16525. ओके, सो 1.16525 प्लस 0.05 इंटू 0.15 प्लस 1.16525, ये हमें मिलेगा 1.31525. ओके, सो 1.16525 प्लस 0.05 इंटू 1.31525, ये हमें मिलेगा 0.0657625. सो 1.16525 प्लस 0.0657625. ये हमें मिलेगा 1.2310125. ओके, सो ये हो गया हमारा Y4. अभी देखो x इज इक्वल्स टू 0.1 पर हमें जो y की वैल्यू फाइंड करनी थी तो वो ये है Y2. x इज इक्वल्स टू 0.2 पर जो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी वो ये है Y4. ठीक है, सो हम आंसर लिख सकते हैं कि y ऑफ 0.1 इज इक्वल्स टू 1.105 एंड y ऑफ 0.2 इज इक्वल्स टू 1.2310125. ओके, तो इस तरीके से यूलर्स मेथड का यूज करके हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ला सकते हैं. आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. So thank you for watching my video and don't forget to subscribe my channel.